अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं माया हूँ। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं बीबी? क्या लेने आई हो यहाँ? मैं मंशा से मिलने आई हूँ। आखिर कब छोड़ोगी तुम उसकी जान? हैं? बला की तरह ही चिमट गई हो उससे। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? मंशा ने। क्या? मंशा ने? मंशा, क्या तुमने बुलाया इसे यहाँ? नहीं पप्पू, वो क्यों आई हो मेरी भोली भाली मासूम बच्ची से मिलने? अरे वो तो तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं तो बस यूं ही मंशा से मिलने चली आई, उसका तो फोन भी नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मंशा से मिलती चली जाऊं। मगर मंशा तुमसे मिलना नहीं चाहती, घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है तुमने। आंटी मैंने? खबरदार जो तुमने मुझे आंटी कहा। नहीं हूं मैं तुम्हारी आंटी। दोस्ती के नाम पर तुमने जो कुछ मंशा के साथ किया सारी उम्र याद रखने के लिए काफी है। मेरी सीधी सादी बच्ची को बिगाड़ने वाली तुम ही हो। हद हो गई लड़कियों की। अगर मंशा तुमसे मिलना नहीं चाहती, घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है तुमने। दोस्ती के नाम पर तुमने जो कुछ मंशा के साथ किया सारी उम्र याद रखने के लिए काफी है। मेरी सीधी सादी बच्ची को बिगाड़ने वाली तुम ही हो। मैं तुम्हारा तो साया तक नहीं पड़ने दूंगी मैं इस पर। सुन लिया तुमने? देखो कैसी ढीठ लड़की है, खामोशी से खड़ी जलील हुए जा रही है, मगर जा नहीं रही यहाँ से। हिम्मत देखिए आप उस लड़की की, पहले तो बाहर ही मिलती थी, आज तो घर तक चली आई। तो खुद से तो नहीं आई होगी ना, मंशा ने बुलाया होगा उसे। मंशा को देखें, जितना मैं उसे मना कर रही हूँ उतना ही उससे दोस्ती बढ़ा रही है। क्या करें, आप ही की भतीजी है वो। खैर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब सुनाई मैंने भी और आंटी ने भी। मॉम मुझे शफीक ने सब बता दिया। एक तो ये शफीक भी बीबीसी बना रहता है हर वक्त, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। किस किस का इलाज करती रहोगी तुम? जिसका मुमकिन हुआ ना
उसका तो जरूर करो। तुम्हारा जोर भी बस माया पे चला है। जरा भी शर्म और हया हुई ना उस लड़की में तो आइंदा कभी नहीं आएगी यहाँ। वैसे बाब ये अच्छा है कि दोनों बुजुर्ग खवातीन एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए। बुजुर्ग किसे कहा है आपने? जो भी है डन, सबके सामने मॉम को माया की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सबके सामने मतलब मैं अब भी लिहाज करूं उसका? किया तो गलत ही ना आपने। देखा आपने, फिर भी आप मुझे गलत कहते हैं। क्या कुछ नहीं किया माया ने हमारी फैमिली के साथ? देखो नौरी, ताली दोनों हाथ से बचती है हमेशा। यानी आप भी मुझे गलत कहेंगे, मैंने गलत किया है? तरीका कार गलत था तुम्हारा, तो घर आई थी हमारे। तो क्या फूलों का हार पहनाती उसे? फालतू में हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहता है बाप बेटे को। इतनी इंसल्ट की उन्होंने मेरी अमृत कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हें जरूरत क्या थी उनके घर जाने की? मुझे क्या पता था ये होगा। मंशा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तो मैं चली गई उसके घर पे। तो बेवकूफी तो तुमने की ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ बेवकूफ, और वैसे भी दुनिया भर की सारी बुराइयां मेरे ही अंदर है। देखो माया, तुम अपनी सेहत की फिक्र करो, ख्याल करो और घर में रहो। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, किसी से मिलने की। घर में रह रहकर सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी अमृत। तो माया तुम अपने आप को बिजी रखो ना, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो या कोई शॉर्ट कोर्स कर लो। अब ये सब मुझसे नहीं होगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। माया अपनी जिंदगी जीना सीखो प्लीज। ऐसी मुश्किल तो जिंदगी में आती रहती है। का गुस्सा किधर निकाल दिया यार। अपने आने वाले बच्चे का भी ख्याल नहीं है? तुम्हें ख्याल है? तुम छोड़ क्यों नहीं देते उस चीप मॉडल को? अरे तुम्हें ना छोड़ दे। क्या ख्याल है इसका? तुम मेरा मुकाबला उससे कर रहे हो? तुम्हारा मुकाबला उससे है ना? सुन, शीशे में जाके शक्ल देखी होगी। ओ शट अप, तुम उस 2% की मॉडल के लिए, उस चीपो के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? तुम बकवास कर रही हो, आगे से बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। आज ही नेका में करी देता हूँ, दफा हो जाओ इस घर से। निकल जाओ, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ छोड़ो मेरा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। You understand that? Now get lost.
ये मेरी जिंदगी है, इसे मुझे ही सुधारना होगा। अगर दूसरों पर डिपेंड करती रही तो मेरा कुछ नहीं होगा, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। तुम्हारी इतनी मजाल के तुम सुनैना के घर जा, किससे पूछ के गई? मुझे उससे मिलने या उसके घर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद तुम उससे मिलने गई ऐसा कुछ सोचा भी ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। शाहब, तुम उसकी वजह से मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? घुस सकती हो तुम? मेरी जिंदगी में बिना बताए घुस के आ गई हो और मैं तुम्हारे घर में नहीं घुस सकती? तुम्ही ने तो मौका दिया मुझे अपनी जिंदगी में घुसने का। वैसे शोभी यहां नहीं है, तुम उसी से मिलने आई थी ना? जी नहीं, मैं यहां तुमसे बात करने आई हूं। मुझसे? मुझसे तुम्हें क्या काम पड़ गया? देखो सुनैना, तुम मेरे और शहाब के दरमियान से निकल जाओ। मेरे ख्याल में तुम्हें कोई गलत फहमी हो गया। दरमियान में मैं नहीं हूँ सुरार, दरमियान में तो तुम आई थी। शोभी तो मुझे ही हमेशा से पसंद करता था, लेकिन फिर भी तुम आ गए। ये झूठ है, बकवास है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? यही सच है। आज तो मैंने तुम्हारी इस हरकत को माफ कर दिया। अगर आईना तुम इस घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्दुल वहीद बमा अहलो अयाल, कमबख्त मारों के 7 बच्चे भी हैं। हाँ, गफ्फार साहब, मम्मा अहलो अयाल। अरे मंशा, अगर तुमने अपने किसी सहेली वहेली को बुलाना हो ना तो भैया अभी से बता दो। बस अब मैं फहरिस्त मुकम्मल करने वाली हूँ मेहमानों की। नानो, जो कुछ आपने और फूफो ने किया है उसके बाद में अपनी शादी पर अपनी किसी भी दोस्त को बुलाने के हवाले से सोच भी नहीं सकती। हाय हाय, अरे क्या किया हमने? आपने ठीक नहीं किया नानो। अरे बताना क्या ठीक नहीं किया है? आपको माया के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। चल हट, तेरी तो अकल घास चरने गई भी है लड़की। मैंने तो बड़ा लिहाज किया उसका, वरना चुतिया पकड़ के ना मुंडी रगड़ देती और धक्के मार के निकालती ना उसको घर से। ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वहाँ भी बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि आप लोगों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। होने दे उसको नाराज हो रहा था, बस मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। फिर भी नानो, वो घर आई हुई मेहमान थी, आप लोगों को कुछ तो लिहाज करना चाहिए था। अरे मनसा, माफ करना भैया, वैसे तेरे अंदर ना अकल नाम की कोई चीज नहीं है। क्या क्या नहीं किया उसने तेरे साथ है? तू अभी भी उसकी तरफदारी कर रही है? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ नानो, लेकिन ये अच्छी हरकत नहीं है। माना कि उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन इस बारे में किसी और वक्त भी बात की जा सकती थी। मैं आज का हिसाब आज ही चुकता करने की कायल हूँ, उधार उधार नहीं रखती मैं। अच्छा नहीं किया। फिर भी नानो, अरे बस 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 कर दो उसकी तरफदारी करना। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, चुपके रहो बस अब। हटो, सब कुछ दिमाग से निकाल दिया। वो क्या नाम था, चावल बेचे था थोक में? हाँ, सईद बमा अहलो अयाल। हाँ वो तो रह गई फरजाना की अम्मा, बमा अहलो अयाल। मुझे कह रही थी कि मैं उसके और तुम्हारे दरमियान से निकल जाऊं। पागल होगी? मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, but I think this is too much। तुमने उसे घर के अंदर कैसे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लज़त मसरूफ हूँ। मैंने कहा ना मुझे अभी इस वक्त तुमसे बात करनी है। हाँ छोड़ो मेरा शहाब, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम्हारी इतनी मजाल के तुम सुनैना के घर जा, किससे पूछ के गई? मुझे उससे मिलने या उसके घर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद तुम उससे मिलने गई ऐसा कुछ सोचा भी ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। शहाब, तुम उसकी वजह से मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? जादू कर दिया उसने तुम पर। तुम अपनी बीवी से झगड़ रहे हो उसके लिए? हाँ झगड़ रहा हूँ और मजीद झगड़ूंगा। अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझे? किसी और का घर तोड़ कर मैं अपना घर बनाऊं, तुम ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो वहाब? मेरा मंशा के साथ अभी घर नहीं बना है। जो बीबी बजाय उनका साथ देने की तकलीफ का बाइस ही बना हूं। मेरा वो मतलब नहीं था मो, मैं अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ सुकून से गुजारना चाहती हूँ।
किसी और रिश्ते की इस वक्त मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है।